नर्मदा बहे छे तेवा भरूच वासियों ने हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। झगड़िया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रितेश भाई वसावा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष गुजरात श्री जनक भाई पटेल जी, लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे जी, श्री विक्रम सिंह गरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री बलवंत सिंह गोहिल जी, सेवंत भाई वसावा जी, श्रीमती रीना बेन वसावा जी, श्री पृथ्वी सिंह गोहिल जी, श्री अतुल भाई पटेल जी, श्री मनसुख भाई वसावा जी, रवजी भाई वसावा जी, जिग्नेश मिस्त्री जी, धर्म सिंह वसावा जी, प्रकाश भाई देसाई जी, बदन भाई वसावा जी, रमेश भाई उकानी जी और भारी संख्या में झगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भरूच की इस धरती को जहां के हर जल की बूंद में मां नर्मदा के दर्शन होते हों, ऋषि मुनियों ने तमाम देवालय जहां स्थापित किए हों उसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी का सौभाग्य है इस गुजरात की धरती ने हर संकट के समय में देश को नेतृत्व दिया है। आप याद करिए, आजादी के उस आंदोलन की, जब भारत के नागरिकों के मन में एक भाव पैदा हो गया था कि लगता है कि देश अब कभी आजाद नहीं हो पाएगा। आज से ठीक 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ था। देश की आजादी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब भारत ने लड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला, तो देखते ही देखते जो कार्य असंभव दिखाई दे रहा था, भाइयों बहनों, 1947 में भारत आजाद हो गया। हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक बन गए। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है गुजरात, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है गुजरात। अंग्रेजों ने जिस भारत के बारे में देखा था कि तो हम भारत को स्वतंत्र नहीं होने देंगे, और अगर भारत स्वतंत्र भी होगा भी तो इस भारत के इतने टुकड़े कर देंगे कि भारत कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टिता, दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने अंग्रेजों के सारे षड्यंत्र फेल हो गए। 563 से अधिक रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी और वर्तमान भारत एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा हो गया, जिस लोकतंत्र ने हम सबको एक ताकत दी है। भारत का हर वयस्क मतदाता मतदान कर सकता है। ये ताकत भारत के लोकतंत्र को मिली है, जिस भारत गणराज्य को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लौह भुजाओं से स्थापित किया था। और भाइयों बहनों, जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अनाचार, अराजकता के कारण पूरा देश कहर रहा था, तब देश के नागरिकों के सामने संजस की स्थिति थी, अविश्वास का माहौल था। राजनीतिक नेतृत्व जब भारत के अंदर अविश्वास का प्रतीक बन गया था, उन स्थितियों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश ने नेतृत्व दिया। और आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कितना सुखद संजोग है, कितना सुखद संजोग है भाइयों बहनों कि 1947 में हो सकता है कांग्रेसियों ने आपके घर में तिरंगा नहीं लहराने दिया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर में तिरंगा लगाने का काम कर दिया है। और यही नहीं, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाइयों बहनों, ये हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। मां नर्मदा देश की 7 पवित्र नदियों में गिनी जाती है। इसकी पवित्रता जग जाहिर है। गुजरात में आकर के पहली बार भारत माता के महान सपूत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उनके व्यक्तित्व के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करके सरदार सरोवर के तट पर केवड़िया के पास उसे जो भव्य स्वरूप दिया है, आज वो अपने आप में एक तीर्थ बन गया है। अपने महापुरुषों को सम्मान कैसे दिया जाता है, यह सीखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से कांग्रेस सीखे। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया, केवल राजनीति करती रही, सम्मान देने में हमेशा कोताही बरतती रही। लेकिन चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य हो, और चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए केवड़िया में उनकी भव्य और दिव्य प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके उसे तीर्थ के रूप में स्थापित करने का कार्य किया हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ये काम सब किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, ये क्षेत्र हमारे लिए तीर्थ है। भगवान कृष्ण को जब मथुरा छोड़नी पड़ी थी तो गुजरात के ही द्वारिका में आकर के उन्होंने अपना तीर्थ स्थापित करवाया था। आज हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर परिसर को देखता है, जब द्वारिका धाम के पुनरुद्धार के काम को देखता है, मां अंबा जी के उस धाम को आज वर्तमान रूप में देखता है, हर भारतवासी गौरवान्वित होता है। और हर भारतवासी तब भी गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने
कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल होते हैं और अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ होता है। भैया बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण एक प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेसी 55 वर्षों तक नहीं कर पाए, उस कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 5 साल के अंदर करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है। भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, अयोध्या में भगवान राम का बनने वाला यह मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति कराने वाला मंदिर बनेगा। वो नए भारत की इस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा, जो भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, अपने मूल्य और आदर्शों से दिखता नहीं है, हर विपरीत चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा विजय श्री को वरण करता है, वह भारत दुनिया के सामने होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ओर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप ले चुका है। आज आप देखिए काशी में आकर के कितना भव्य स्वरूप काशी का हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर किस रूप में भव्य स्वरूप ले चुका है। कभी अहिल्या भाई होलकर जी ने वहां पर औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिर को पुनर्स्थापित करने का काम किया था और उसे भव्य स्वरूप देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी में संपन्न हो चुका है। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में आप जाएंगे, धाम फिर से भव्य स्वरूप ले रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में आप जाएंगे, महाकाल का महालोक एक बार फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए यह भी देखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के अंदर आस्था के प्रतीकों का सम्मान जिस भव्यता के साथ हो रहा है उसे देख करके हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में भी जानते हैं देश का वैश्विक मंच पर सम्मान कैसे होना चाहिए। 3 दिन पहले आपने इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के देशों के जो समूह बना है, दुनिया के 20 वे देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है और उस समूह का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देश दुनिया में शांति, सौहार्द और समृद्धि के लिए आने वाली कार्रवाई पर कार्य करेंगे। इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए क्या हो सकती है। और जहां तक भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का हो, आपने देखा होगा कांग्रेस ने देश को आतंकवाद दिया, माफिया राज दिया, गुंडागर्दी दी, लेकिन कश्मीर में धारा 370 भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी ने हटा करके दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के देश को आतंकवाद की समस्या से सदैव के लिए समाप्त करने का एक बीड़ा उठाया और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी आपने देखा होगा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके अनुरूप योजनाओं को बनाना,
फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ देशवासियों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी को प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटाकर के आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाती? क्या कांग्रेस इस कार्य को कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? आपको लगता है कांग्रेस कर पाती है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण? क्या काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण और भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न देश को सुरक्षा दे सकती है, न समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है और न ही आपके स्वयं के कल्याण के लिए किसी योजना को ईमानदारी के साथ लागू कर सकती है, तो फिर उस कांग्रेस को क्यों हम चुनते हैं? और भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही कहा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था। उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया था और उनका सुझाव था कि समय आ गया है जब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और मैं तो झगड़िया से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों से कहूंगा, भरूच वासियों से इस बारे में अपील करूंगा कि समय आ गया है जब इस खंभात की खाड़ी में कांग्रेस को फेंक करके कांग्रेस मुक्त भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को हम साकार करने में अपना योगदान दें। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना जाता है। गुजरात मॉडल विकास का, गुजरात मॉडल लोक कल्याण का, गुजरात मॉडल शांति का, गुजरात मॉडल अराजकता पर विकास और राष्ट्रवाद की विजय का। इस मॉडल को हमें जन जन तक पहुंचा करके पूरे देश और दुनिया के सामने पहुंचाना है और इस देश से हर गुजरातवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, झगड़िया के सभी मतदाता भाइयों बहनों से, सभी भरूच के मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस क्षेत्र में, जितने भी इस जनपद में विधानसभा सीट हैं, उन सभी सीटों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर समग्र विकास की जब बात आती है तो बिना भेदभाव के शासन की इन योजनाओं को हर घर, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्य भी भाजपा की सरकार ने किया है। अभी 15 नवंबर को हम लोगों ने देखा होगा, इस देश ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। पहली बार ट्राइबल्स के लिए भी कोई दिवस है और उनको उनके हकों को उपलब्ध करवाने के लिए उनके लिए वन अधिकार में संशोधन करने का कार्य हो, जमीन के पट्टे आवंटन का कार्य हो, उन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो, उनके घर में बिजली पहुंचाने का कार्य हो, उन्हें आवास की सुविधा और शौचालय की सुविधा देने का कार्य हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इस कार्य को गुजरात के अंदर हर ट्राइबल तक पहुंचाने का कार्य की है, हर जनजातीय भाई के सामने पहुंचा के घर तक पहुंचाने का कार्य की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर की तिथि को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए
इस गौरव दिवस का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया था और वही कार्यक्रम आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मुझे भी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में, जिस जनपद में 15 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, उनके बीच में एक भव्य समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन जनजातीय बंधुओं के बारे में कितनी योजनाएं उनके लिए चली। उनके लिए छात्रावास बन रहे हैं, फ्री एजुकेशन की व्यवस्था है, फ्री में हेल्थ की व्यवस्था है, उनके लिए आवासीय पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जमीन के पट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन्हें आवास फ्री में उपलब्ध करवाया गया है, उनके लिए रोजगार की तमाम सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास न इस प्रकार की दृष्टि थी और न ही वह गरीबों का, दलितों का, जनजातियों का, वनवासियों का, इनका उत्थान ही करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो केवल अपने एक परिवार के बारे में सोचना और उनके हितों के लिए कार्य करना ही उनके लिए मात्र एकमात्र यही कांग्रेस का उद्देश्य रह गया है। और यही कारण है भाइयों बहनों, यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी कहना पड़ा था, आजादी के बाद जानती थी कांग्रेस अब भटक चुकी है, अपने मार्ग से भटक जाएगी, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस को विसर्जित करिए। मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार गुजरात के अंदर फिर से सरकार बनाने जा रही है, स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने जा रही है, और इसमें झगड़िया का भी योगदान होना चाहिए। झगड़िया से श्री रितेश भाई बसावा चुनाव जीत करके जाएंगे, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये बहुत कठिन होता है कि नामांकन के बाद कोई प्रत्याशी घर घर जाकर के एक एक मतदाता से अपील कर सके, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सभी रितेश भाई वसावा बनकर के एक एक मतदाता के पास जाकर के मतदान की अपील के लिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी करें। करेंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मुझे आश्वासन दे रहे हैं मैं आश्वस्त होकर के जाऊं? तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।